70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 7 साल का हिसाब नहीं दे सकते? क्या तमाशा बना इस देश का? हमको चौराहे के, गली के, नुक्कड़ के, खेत में, खलियान में, वार्ड में, मोहल्ले में जहां बात करनी पड़ेगी, आंख में आंख मिलाकर के भाजपा और आरएसएस वालों से बात करो कि तुम 5-8 साल के इतिहास में एक काम बता दो तो आपके प्रधानमंत्री ने और आपकी एनडीए सरकार ने किया। अच्छा, कांग्रेस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के रग रग में है। इस कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। अगर इनके नेताओं में दम होता तो ये भूले जाते कांग्रेस के नेताओं। इनके पास न नेतृत्व है, न सोच है, न विजन है। बुरा हाल था बीजेपी का। आज कोरोना होने के बावजूद भी हमारा मुख्यमंत्री 500 बीसी कर रहा है, अच्छा बजट दे रहा है, सबसे खेल रहा है, संगठन के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आ रहा है। तो सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की तो भी इनके पेट में दर्द हो रहा, कुछ नहीं बोल रहे। झालावाड़ के लिए तो मैं कह के जा रहा हूं, आप तो सीधा कोई काम हो मेरे बंगले आ जाना, मैं आपके साथ होगा आपका काम। हमारे कार्यकर्ता अच्छे, हमारे नेता अच्छे, प्रभारी मंत्री अच्छा, आप सब अच्छे, तो फिर बच क्या गया? 2023 में सरकार लाएंगे, 2024 में मोदी का टुकड़ा साथ।